केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में मंगलवार को भाकपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ओम प्रकाश क्रांति ने किया। कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पिछले 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक पार्टी के द्वारा पदयात्रा निकाला गया। अब 16 मई से 7 जून तक जत्था निकालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं तथा सरकार की विफलता की चर्चा कर रहे हैं। बताया कि 8 और 9 जून को देश के सभी जिला मुख्यालय का घेराव कर कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देंगे। कहा कि देश की भाजपा सरकार युवाओं को धोखा देकर बेरोजगारी के कुएं में ढकेल रही है। कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में नफरत पैदा कर शासन कर रही भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक कर केंद्र से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए पार्टी हमेशा आंदोलन करती रहेगी। पार्टी की ओर से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक हम लोगों ने पदयात्रा निकाला और 16 मई से लेकर के और 7 जून तक हम जत्था निकाल करके जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति सजग कर रहे हैं, सरकार के विफलता की चर्चा कर रहे हैं और 8 और 9 जून में हम हिंदुस्तान के तमाम कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, सत्याग्रह अभियान चलाएंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। क्योंकि अभी जो केंद्र की सरकार है वह सरकार इस समाज में नफरत पैदा कर रही है, किसान मजदूरों के हक की हकमारी कर रही है, शिक्षा का भगवाकरण कर रही है, स्वास्थ्य का निजीकरण कर रही है, रेल, बैंक, LIC, GIC को बेच रही है, जो इस देश के हित में नहीं है, इस देश की संप्रभुता के हित में नहीं है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान के हित में नहीं है। इसलिए देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश के संप्रभुता को बचाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस जत्था के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है और ये कह रही है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को हम उखाड़ फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, बेतिया, बिहार।